सूर्य 17 नवंबर 2023 को शुक्र की तुला राशि यानी कि जो सूर्य की नीच राशि है उससे निकलकर यह ग्रहों के सेनापति मंगल की स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाला है। सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना 12 राशियों के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, जिसमें से प्रथम की 6 राशियों के बारे में हम पूर्व की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब हम आज की वीडियो में अंतिम बची हुई 6 राशियों के बारे में, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं तुला राशि की। सूर्य तुला राशि के लिए आय और लाभ के एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर सूर्य का गोचर होने वाला है। इस समय अवधि में आपके फाइनेंस से संबंधित मामले प्रभावित होंगे। आपको इस दौरान एक अच्छी आय और उसे बचत करने के लिए भरपूर मौके मिलने वाले हैं। अतीत में किए गए निवेशों से भी कोई बड़ा लाभ हो सकता है। फाइनेंस सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों के लिए यह गोचर बहुत फायदेमंद साबित होगा। साथ ही आपको अपने परिवार का भी सहयोग मिलेगा। सूर्य के द्वितीय भाव में गोचर से आपके अंदर अधिकारात्मक वाणी की झलक देखने को मिल सकती है। शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, अन्यथा आपस में मनमुटाव हो सकता है। आप इस समय अवधि में अपने जीवन साथी के साथ कोई गुप्त निवेश भी कर सकते हैं। आपका झुकाव अंक, ज्योतिष या किसी अन्य रहस्य विज्ञान की ओर हो सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए सूर्य को नित्य अर्घ जरूर दें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य कर्म के दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आत्मा और शरीर के लग्न भाव पर सूर्य का गोचर होगा। यह गोचर आपको पेशेवर जीवन में खूब तरक्की देगा। आपको पेशेवर जीवन में कई अवसर भी प्राप्त होंगे। गुरुओं और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस समय अवधि में आपको पदोन्नति मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए शानदार साबित होगा। सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिसके कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय अवधि में आपके अंदर अहंकार अधिक हो सकता है, जिसके कारण जीवन साथी के साथ विवाद की स्थितियां बनेंगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय सबसे उत्तम रहने वाला है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए रविवार के दिन गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय और हानि के 12वें भाव पर सूर्य का गोचर होगा। इस समय अवधि में आपके स्वास्थ्य जीवन में जरूर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर आप लंबे समय से विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत थे और आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो सूर्य का नवम भाव पर होने वाला गोचर आपको जरूर इसमें भी सफलता दिलवाएगा। आपको अपने घर से कहीं दूर रोजगार या घूमने के लिए जाना पड़ सकता है। यह गोचर काल आपके यात्राओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका रुझान धार्मिक क्रियाकलापों की ओर रहेगा। इसके अलावा MNC कंपनियों, अस्पतालों और आश्रमों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह गोचर शानदार साबित होगा। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा के लिए या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय अवधि में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस गोचर काल की अवधि में जरूर आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए सूर्य के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए सूर्य अनिश्चितताओं और आयु के अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आय और लाभ के एकादश भाव पर सूर्य का गोचर होने वाला है। आपको अपने बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पेशेवर नेटवर्किंग में भी वृद्धि होगी। इस दौरान अचानक से आपको कोई धन लाभ भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र हो या व्यवसाय हो, आपने जो पूर्व में इसमें मेहनत की है उसका प्रतिफल आपको इस समय अवधि में प्राप्त होगा। 11वें भाव पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जिसके कारण प्रेमी जातकों को सावधानी जरूर बरतनी है। प्रेमी जातकों के बीच
अहंकार में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण आपसी विवाद जन्म लेंगे। वहीं शिक्षा क्षेत्र में यह गोचर बहुत लाभकारी परिणाम छात्रों को देने वाला है। मकर राशि की गर्भवती महिलाओं को भी जरूर सावधानी बरतनी होगी। जो जातक रिसर्च या पीएचडी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए गायत्री मंत्र का नित्य जाप करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में कर्म के दशम भाव पर सूर्य का गोचर होगा। सूर्य दशम भाव पर दिग्बली हो जाते हैं, इसलिए सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों को करियर क्षेत्र में काफी उन्नति देगा। आपको इस समय अवधि में पदोन्नति मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आप एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, जिसकी सराहना भी आपको भरपूर मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके वरिष्ठ आपसे खुश नजर आएंगे। आपके सुख साधनों की चीजों में भी इस समय अवधि में वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि माता के स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर रखें। इस दौरान आपके अंदर अहंकार भी हावी हो सकता है, इसलिए इससे बचने की कोशिश करें। आपके अहंकार के चलते आपका गृहस्थ जीवन जरूर कुछ प्रभावित रह सकता है, इसलिए आप अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में भाग्य और पिता के नवम भाव पर सूर्य का गोचर होगा। मीन राशि के लिए यह गोचर बहुत अधिक फलदायी रहने वाला है। आप अभी तक जिस परिणाम को प्राप्त करना चाहते थे, वह परिणाम आपको इस समय अवधि में प्राप्त हो जाएगा। आपको अपने गुरु, पिता और मेंटर्स का भी भरपूर सहयोग मिलने वाला है। पिता के ओर से आपको कोई आर्थिक सहयोग मिल सकता है। आप इस समय अवधि में आसानी से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। आपका झुकाव भी आध्यात्म की ओर ज्यादा रहेगा। यह गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आने वाला है। हालांकि छोटे भाई बहनों के प्रति जरूर सावधान रहें, उन्हें किसी प्रकार की चोट पटक लग सकती है या उनके साथ आपका विवाद हो सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। तो यह था सूर्य का वृश्चिक राशि में होने वाला गोचर, जिससे हमारी अंतिम छह राशियां इस प्रकार प्रभावित हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।